भारत चीन सीमा विवाद, ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश, गति 100 शब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन और भारत के सीमा विवाद पर अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। इससे पहले ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भी भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कही थी, जिसे भारत ने ठुकराया था विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लद्दाख और सिक्किम में भारत चीन के बीच जारी विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की थी विराम। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस पेशकश पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया विराम। मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी के साथ मसले का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास जारी है विराम। पैरा। इससे पहले ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने की बात कही थी, जिसे भारत ने ठुकरा दिया था विराम। भारत ने कहा था कि यह उसका आंतरिक मसला है। एक दिन पहले चीन ने कहा था कि भारत के साथ सीमा पर स्थिर और नियंत्रण में है विराम। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, दोनों पक्ष तनाव को कम करने में जुटे हैं, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत और चीन के पास कई कूटनीतिक तंत्र मौजूद हैं विराम। किसी भी हालत का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है विराम। श्रीवास्तव ने फिर दोहराया कि भारतीय सेना ने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन नहीं किया था विराम। भारत चीन के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सेना हमारे लीडर्स की सहमति और मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करती है। हम भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं विराम। लद्दाख में हाल ही में गालवन नाला एरिया के पास चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है। LAC के पास कई सेक्टरों में चीन करीब 5,000 जवान तैनात कर चुका है विराम। पड़ोसी के इस कदम के बाद भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपने जवान बढ़ाने शुरू कर दिए हैं विराम। इसी महीने दोनों सेनाओं के बीच 3 बार अलग अलग जगहों पर टकराव हो चुके हैं विराम। पिछले हफ्ते दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर बातचीत कर मुद्दा सुलझाने की कोशिश भी कर चुके हैं विराम। अगर भारत और चीन की सेनाएं लद्दाख में आमने सामने हुई तो 2017 के डोकलाम विवाद के बाद यह सबसे बड़ा विवाद होगा। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक भारत ने पेंगोंग त्सो झील और गालवान वैली में सैनिक बढ़ा दिए हैं। इन दोनों इलाकों में चीन ने 2,000 से 2,500 सैनिक तैयार किए हैं। साथ ही अस्थायी सुविधाएं भी बढ़ा रहा है विराम। चीन लद्दाख के कई इलाकों पर अपना दावा करता है विराम। पैरा। भारत चीन बॉर्डर पर डोकलाम इलाके में दोनों देशों के बीच 2017 में 16 जून से 28 अगस्त के बीच तक टकराव चला था विराम। हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। साल के आखिर में दोनों देशों ने
सेनाएं वापस बुलाने पर सहमति बनी थी। विराम।